राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस का पैदल मार्च फिलहाल जारी है, जो पहुंचा है सूरजपोल मंडी। जो नियत स्थान है वहां पहुंचने की जो बात है वो अभी बताया जा रहा है कि सूरजपोल मंडी पहुंचकर एक सभा के रूप में तब्दील होगा। फिलहाल अलग अलग स्थानों से होकर जो पैदल मार्च है वो गुजर रहा है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में आज जो पैदल मार्च है वो अलग अलग स्थानों पर निकाला जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें राजधानी जयपुर से, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन कांग्रेस का पैदल मार्च। किसानों के समर्थन में और बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं जो मुख्य एजेंडा है कांग्रेस के पास में फिलहाल है सरकार को घेरने का, और कहीं ना कहीं जनता की आवाज को ही बुलंद कांग्रेस पार्टी कर रही है केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो प्रदेश में फिलहाल राजधानी जयपुर जो है वहां पर पैदल मार्च जारी है, कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च। तस्वीरें उस वक्त की जब धीरे धीरे जो समर्थकों के साथ में पैदल मार्च है वो आगे बढ़ता हुआ चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए कांग्रेस का पैदल मार्च आज है, काफी इंपॉर्टेंट दिन प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर निकाला जा रहा है। फिलहाल राजधानी जयपुर से किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है पैदल मार्च की? बिल्कुल, देखिए एआईसीसी के निर्देश पर आज सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाले हैं और इसके माध्यम से एक मैसेज दिया है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर आंदोलन करता रहेगा। किसान आंदोलन को किस तरह से एक मजबूती दी जा सकती है, इस दिशा में आज कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये पैदल मार्च अब गलता गेट पर पहुंचकर कंप्लीट हो गया है। आप एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से गलता गेट का यह नजारा, जहाँ पर कांग्रेस के जो शहर के तमाम नेता हैं वो इस पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टर पर परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, तमाम नेता हैं वो ट्रैक्टर पर सवार होकर यहाँ पर पहुँचे हैं और गलता गेट पर इस पैदल मार्च का समापन फाइनल एंडिंग हुई है और यहाँ पर तमाम नेता एक ही ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। संदेश यही दिया गया है कि तीनों कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गलता गेट का यह नजारा, जहां पर कांग्रेस के नेता हैं वो ट्रैक्टर के माध्यम से यहां पर पहुंचे हैं, पैदल चलकर घोड़ों पर भी सवार हुए, ऊंट पर भी सवार हुए और उसके बाद महेश जोशी हमारे साथ है। महेश जी, पूरा पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, शहर का, गांव का, कस्बे का, नगर का, ग्रामीण का, मजरे का, एक एक आदमी किसानों के साथ खड़ा है। ये संदेश स्पष्ट है और केंद्र सरकार को ये काले कानून वापस लेने होंगे। 5 किलोमीटर से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल चले, एक उत्साह और जोश जिस तरह का देखने को मिला, पूरा जोश है। और ये 5 किलोमीटर की दूरी, ये हमने सुना है कि आजकल केंद्र सरकार ने पैमाइश बदल दी है, 1000 मीटर का जो 1 किलोमीटर होता था वो माइलेज बढ़ाने के लिए 500 मीटर का कर दिया गया, इसलिए हमारे 10 किलोमीटर की रैली है। बिल्कुल, देखिए एक संदेश है, पेट्रोल डीजल की लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका भी एक विरोध, उस महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब किलोमीटर 1000 मीटर के बजाय 500 मीटर का होगा। देखिए महेश जोशी है, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो है पैमाने किए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से विधायक है रफीक खान वो भी हमारे साथ हैं। रफीक जी, देश की जनता को जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब किसी मौके पे देश की जनता किसान जब जब मुसीबत में आए हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। चाहे वो देश की आज़ादी से पहले का मसला हो, चाहे देश की आज़ादी के बाद का मसला हो, कांग्रेस पार्टी की ये पहली पदयात्रा नहीं है। इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी पदयात्राओं की शुरुआत कर चुकी है और आज पूरे देश में राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में ये पदयात्रा शुरू की जा रही है। उसी कड़ी में जयपुर में ये शुरू की गई। बीजेपी सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं ले रही है और
जिन मुद्दों पे बीजेपी की सरकार को बोलना चाहिए, जिन मुद्दों पे बात उठानी चाहिए, वो मुद्दे कौन है? बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, डीजल पेट्रोल की बात नहीं कर रही है, गैस के दाम की बात नहीं कर रही है, और सिर्फ एक कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए, जिस तरीके से पेट्रोल पंप रिलायंस को फायदा देने के लिए पूरे आम जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, बेरोजगार युवक की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, सर्विस क्लास की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, डीजल का किसानों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है और रिलायंस को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिन मुद्दों पे देश का किसान खड़ा हुआ है वो कह रहा है हमें ये सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमारा तो एक काम आप कर दो कि एमएसपी से नीचे की कोई खरीद ना करे, एमएसपी तय कर दो, एमएसपी लागू कर दो, उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवक सड़कों पर बैठे हैं उस पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करेंगे, गैस पे बात नहीं करेंगे। ये जब बजट केंद्र सरकार ने पेश किया तो ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस बजट में किसानों को कुछ न कुछ देगी, लेकिन बजाय देने के इन्होंने कुछ उपक्रम बेचने की घोषणा की, न बेरोजगारी पे कुछ बोले, न पेट्रोल डीजल पे कुछ बोले, न किसानों के लिए कुछ बोले, बेरोजगार सड़कों पर है। और जवाब क्या दिया कि साहब हम ये 7 उपक्रम 8 उपक्रम बेचेंगे, जब सरकारी उपक्रम बेचोगे इनसे पूछो ये उपक्रम आपके पिताजी ने बनाए थे क्या? आप पत्रकार लोग सवाल करो इनसे कि जो बेच रहे हो उनको बनाया किसने, ये किसने बनाया था? आरएसएस ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने खून पसीने से बात कर रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की दरें, खून पसीने की कमाई से जिन कंपनियों को सींचा उनको बेचने में लगे हुए, कपूत बेचता है सपूत सींचता है, इनसे सवाल करो आपके किस वजह से कंपनियां बेच रहे हो, क्या तुमने बनाई ये कंपनियां? ये आप ये बात जुमला बोल के आए सरकार में कि देश नहीं बिकने दूंगा और सबको बेच रहे हो, पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो इनको ये किसानों का बिल वापस लेना पड़ेगा। आज संदेश है केंद्र सरकार को कि जब तक किसानों की आम वर्ग की महंगाई की जब तक सुध नहीं ली जाएगी तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक नहीं, जब देश के किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी आवाम के ऊपर, किसानों के ऊपर, बेरोजगार युवकों के ऊपर किसी पे भी जुल्म होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे की ऐसे ईंट से ईंट बजाएगा और आम आदमी के साथ में खड़ा होगा। 3 जो कृषि कानून है उनकी काट में राजस्थान विधानसभा में 3 विधेयक पारित किए गए, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए 2% वेट कम किया गया, एक संदेश दिया गया कि कांग्रेस की सरकार जनता के साथ। हमने वेट कम किया उस पर कोई बात नहीं करते, पेट्रोल डीजल पूरे हिंदुस्तान में रिलायंस के पंप बंद थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब $150 बैरल क्रूड चला गया था तब भी हम पेट्रोल इस दाम पे नहीं बेच रहे थे, और आज इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिए, जब $50 पे बैरल पे क्रूड है, मतलब 1/3 हिस्से में है, श्रीलंका में प्राइस कम है, बांग्लादेश में प्राइस कम है, नेपाल में प्राइस कम है, आसपास के सभी देशों में प्राइस कम है, यहाँ तक कि जिन देशों को हम क्रूड देते हैं वहाँ भी प्राइस हमसे कम है, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं ये? क्यों आम आदमी की जेब से पैसा निकाल रहे हैं? ये आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, हमारी जेब से पैसा निकल रहा है, हर आवाम की जेब से डीजल पेट्रोल का पैसा निकल रहा है। आपको लगता नहीं है कि केंद्र में कांग्रेस एक तरह से मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है? लगातार कोरोना महामारी में 23 रुपए बढ़ाई है, एकमात्र पूरे विपक्ष में, पूरी पार्लियामेंट में राहुल गांधी है जो जोर जोर से सदन में बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, एकमात्र आदमी है, और उन्होंने ही विपक्ष में पूरा झंडा उठा रखा है, और आप ये दिन देखना, एक दिन जनता को समझ में आएगी, और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है धीरे धीरे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में उमड़ेगा, और हम इनको किसी भी सूरत में इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के विधायक रफीक खान, केंद्र सरकार को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। आज एक संदेश इस पैदल मार्च के माध्यम से उन्होंने दिया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कभी भी उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर पर परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह कांचरियावास, वो भी ड्राइविंग सीट पर हैं, अमीन खान जी विधायक हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। अमीन जी, क्या एक संदेश इस ट्रैक्टर पैदल मार्च के माध्यम से कांग्रेस के लिए? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आयोजित विशाल पद यात्रा, ये एक संकेत है भारतीय जनता पार्टी कि या तो किसानों के बिलों को वापस ले ले, नहीं तो पंजाब में जो हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, सारे देश और प्रदेश में होने वाला है।
इस बात को समझ लेना चाहिए। आजादी के बाद में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी को आवाम की दुनिया हिंदुस्तान के लोगों के बारे में समझना पड़ेगा। अपने बड़े पैसे वाले मित्रों का चार्म छोड़ दे, नहीं तो इस देश का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार है। अमीन जी, जिस तरह के निकाय चुनाव के परिणाम पंजाब के रहे, उसके बाद आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में ये परिणाम रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। हमारा ये 50 साल पुराना नारा, और 50 साल से जब से देश आजाद हुआ है, मात्र एक कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों की और ये देश की जनता की भलाई के हर काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये तीन बिल जो भारत सरकार ने पास किए हैं, पूरे देश में जन आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गलता गेट पैदल मार्च पहुंचा है, आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए, यहाँ विसर्जन होगा, आज का कार्यक्रम यहीं तक का था। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस कमेटी जो भी हमें मार्गदर्शन देगी, उसी तरह जनता के साथ में किसानों के हित की हम बात करते रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अभी पैदल मार्च गलता गेट पहुंचा है, और एक संदेश इस पैदल मार्च के माध्यम से दिया गया है कि जब तक किसानों की सुध नहीं ली जाएगी, तब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। आप देख सकते हैं गलता गेट, यहाँ पर एक बड़े विशाल पैदल मार्च के रूप में कांग्रेस के नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये पैदल मार्च यहाँ पर पहुँचा है। अब परिवहन मंत्री हैं, जयपुर शहर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, मुख्य सचेतक है महेश जोशी, अमीन कागजी, रफीक खान, तमाम जो जयपुर शहर के नेता हैं वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, और एक सभा के रूप में यहाँ पर तब्दील हुई है ट्रैक्टर पर चढ़कर ही। हालांकि कोई विशेष मंच यहाँ पर नहीं लगाया गया है, और यहाँ पर अब प्रताप सिंह खाचरियावास जो संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे हैं कि जो जिस मकसद के साथ आज ये रैली निकाली गई, उस रैली का साफ संदेश है कि केंद्र सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है, तब तक ये किसानों का जो पैदल मार्च है कि आज कांग्रेस ने निकाला है सभी जिला मुख्यालयों पर, एक संदेश है कि किसी भी तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। पंजाब में जिस तरह के निकाय चुनाव के परिणाम रहे, उसको एक संजीवनी के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी के रूप में जोश का काम किया है, और इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार देखने को मिला है। किसान उनके समर्थन में जुटे और पहुंचे, इतना समर्थन उन्हें दिया, और बिल्कुल किसानों के बीच में आकर उन्होंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे अभी सुनना चाहती है जनता, उन्हीं पर बात की। उनके मुद्दों के बाद में, उनके आगमन के बाद में फिलहाल एक बड़ी गति मिली है, लंबी गति मिली है प्रदेश में भी इस आंदोलन को। दिनेश, क्या ये कहा जा सकता है कि जितना उत्साह आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, जिस उत्साह के साथ में पूरे 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा यहां पर करी है, और अब सभा यहां पर एक होगी, हालांकि कोई मंच यहां पर नहीं बनाया गया, ऐसी आपने जानकारी दी, क्या कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का जो प्रदेश दौरा था, उसके बाद में इस आंदोलन को प्रदेश में बहुत ज्यादा गति मिली है, कांग्रेस और भी ज्यादा समर्थन में खुलकर उतर आई है? पहले भी थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बीच में पहुंचे हैं, जनता की बात उन्होंने की, कितना महत्वपूर्ण था वो और कितना महत्वपूर्ण आज का दिन?